उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें जो है एआई के माध्यम से संभव है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही जोड़ा जाएगा, जिससे कि बच्चा जिन चीजों को ज्यादा देखना पसंद कर रहा है या जिन चीजों के बारे में वो ज्यादा जानने की आवश्यकता महसूस कर रहा है या जो उसे लग रही है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम इस प्लेटफॉर्म पर विशेष महत्व देंगे या उसके लिए एक अलग कॉलम बनाकर या एक अलग आइकन बनाकर प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि बच्चा उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है समय के साथ। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना प्रभाव दिखा रही है। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, हम गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप यूट्यूब पे वीडियो आप एक बार सर्च करते हैं तो लगातार आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दोबारा वही वीडियोस वो होते हैं। तो जैसे जैसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि प्रभाव भी होता चला जाएगा। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक चैप्टर वाइज जो है प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। बच्चा एक चीज को पढ़ने के बाद उसके बाद अगली चीज उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है या कौन सी उसकी इंटरेस्ट की है, वो स्वयं अपने आप उसके मोबाइल पर या उसके इंटरेस्ट के आधार पर प्राप्त होती चली जाएगी। कोई भी चीज, कोई भी लेक्चर जो इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, यानी कि NETF द्वारा अपलोड किया जाएगा, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, उससे ऐसा नहीं कोई टीचर अपने आप जैसा चाह वैसा अपलोड कर सकेगा। उसमें एक कॉलम बनाया जाएगा या उसकी ऐसी रूपरेखा बनाई जाएगी कि उसे शिक्षाविद, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, शिक्षा के जानकार हैं या जो लोग इसकी ज्ञाता हैं, वो सभी लोग उसे अप्रूव करेंगे, विशेषज्ञ उसे अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो वीडियो इस पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो NETF द्वारा करी जाएंगी, जैसे कि प्रौद्योगिकी का विस्तार और प्रारंभ करना। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी एकदम से लागू नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक बड़े वर्ग के लिए संतुष्ट करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसे बनाने वालों की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम को लागू करेंगे जो परंपरागत रूप से हटा हुआ होगा और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सिंथेसिस या ऐप से रिलेटेड और जो भी चीजें इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उन सबसे संबंधित एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर लागू किया जाएगा। वहां रिसर्च का प्रोग्राम भी होगा और उस रिसर्च के साथ ही उन्हें PhD की उपाधि भी प्राप्त की जाएगी। यानी कि डाटा विश्लेषण के कार्य को केवल कोई कल्पना ना मानकर उन्होंने ये माना है कि इस कार्य के लिए हम जो स्कॉलर्स होंगे उन्हें PhD भी प्रदान करेंगे, रिसर्च भी करवाएंगे उनसे और उसे पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे भी। इससे लाभ ये होगा कि कंप्यूटर साइंस जो कि ट्रेड आल कर चल रही है, हमारे व्यावसायिक शिक्षा में इसका बहुत बड़ा क्रेज है, तो उस टेक्नोलॉजी को यानी कि उस ट्रेड को और आगे लेके जाने की इस नीति में बात कही। इसके अतिरिक्त इस NETF के द्वारा तीन कार्य जो हैं, अपने कार्यों को तीन रूपों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहला रूप जो है वो कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, यानी कि जो सामान्य चीजें हैं जैसे कि मोबाइल चलाना, मोबाइल की रिपेयर करना या इसके अलावा प्रोजेक्टर को चलाना, उसकी रिपेयरिंग करना, उसके छोटे मोटे काम को करना, इन चीजों के लिए एक अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। दूसरा कार्य जो है जो NETF के द्वारा किया जाएगा वो ये होगा कि एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कि ऐप को बनाने के लिए या उसके प्रोसेसिंग के लिए, उसमें डाटा को सेव करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का हम निर्माण करेंगे जो ये सारी चीजों को ले चलेगा। तो ये दो चीजें हो गई जो मुख्य रूप से हैं। पहला तो ये है कि कोर पाठ्यक्रम बनाना जो सामान्य डाटा से संबंधित होगा, उसके बाद स्पेसिफिक डाटा से एप्लीकेशन बनाना लैंग्वेज के बारे में या इसके अलावा डाटा के संरक्षण के बारे में, इन चीजों के बारे में जो पाठ्यक्रम बनेगा। और ये दोनों पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर ही लागू करे जाएंगे। सबसे पहले जब विश्वविद्यालय स्तर पर यानी कि यूनिवर्सिटीज या PG कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में ये पाठ्यक्रम
सुचारू रूप से चल जाएगा और समाज में जागरूकता फैल जाएगी कि इस पाठ्यक्रम का प्रभाव जीवन में पड़ रहा है। तो इस पाठ्यक्रम को जो छोटे स्तर है वो माध्यमिक स्तर पर लाया जाएगा और यहाँ पर एक स्ट्रीम बनाई जाएगी जो कि इस संबंधित डाटा से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगी। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर पे चीजों को डाल देते हैं और बाकायदा नक्शा बन के या मकान का नक्शा होता है जैसे, या व्यावसायिक क्षेत्र में अगर हम माने तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे होते हैं, एक्सरे मशीनें हैं, सीटी स्कैन है। इसके अलावा तमाम क्षेत्र हैं, ऑटोमेटेड कार्स आ रही हैं। तो ये सारी जो है व्यावसायिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम माध्यमिक स्तर पर लागू करके और जो यूजी और पीजी की क्लासें हैं उन तक ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले समाज में जागरूकता लाना आवश्यक है कि समाज जो है इन पाठ्यक्रमों को विशेष महत्व प्रदान करे। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम की जागरूकता लाने के बारे में नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि कुछ संस्थागत और गैर संस्थागत संस्थान जो हैं वो प्रशिक्षण देंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में। ये माना जाता है कि कोई भी एक संस्था किसी भी एक पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकती है। हम पर्टिकुलर किसी एक संस्थान में अगर हम कोर्स को लाया है कि जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स केवल एक डिग्री कॉलेज को दे देंगे और वो संभव हो जाएगा कि वहां से बच्चा पूर्ण रूप से सीख सकेगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें जो है संस्थागत जो रेगुलर हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो स्कूल चल रहे हैं, उनमें हम पाठ्यक्रम को या विषय के रूप में उस सिलेबस को लेके आना है। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, जो कंप्यूटर सेंटर्स ज्यादातर चल रहे हैं, जो मार्केट्स में खोले गए हैं, बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है माध्यमिक विद्यालयों का या विश्वविद्यालयों का, उस सिलेबस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी संबंधित चीज की हो। जैसे टेक्नोलॉजी का आजकल सबसे ज्यादा महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम अपने घरों में कैमरे लगवाएंगे, लेकिन आज हम परीक्षाएं करवाते हैं, बोर्ड के एग्जाम करवाते हैं, वो सारे कैमरों के अंडर करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बदलती परिवेश में आ रही है, लेकिन हमारा मेथड परंपरागत वही है कि हम परंपरागत रूप से ही परीक्षा करवा रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को जोड़ा है कि हम कैमरे के अंडर वो परीक्षाएं करवा रहे हैं, कैमरे लगाकर वो परीक्षाएं करवा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा लाभ मिला। अब हम किसी भी विद्यालय को आराम से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जो भी पाठ्यक्रम हमारे पास चल रहे हैं, उन सभी पाठ्यक्रमों में हम इन सिलेबस को जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको जोड़ा जाएगा, चाहे वो विज्ञान का सिलेबस हो या गणित का सिलेबस हो या फिजिक्स में आता हो या भौतिक सॉरी बायोलॉजी में आता हो। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर रही है, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से या मैथ से, इन सारी चीजों के चैप्टर बनाए जाएंगे जो कि परंपरागत जो हमारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें ऐड किया जाएगा। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम को जोड़ने के बाद समाज की स्वीकृति सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर समाज किसी चीज के लिए नकार देता है तो हम कितना भी प्रयास कर लें वह चीज लागू नहीं हो सकती है। कितने ही प्लेटफॉर्म ऐसे बने हैं या यूट्यूब पे कितने ही चैनल ऐसे बने हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है, लेकिन वो व्यापक प्रचार प्रसार चाहे उसका कह लीजिए, चाहे उनका कॉन्टेंट कह लीजिए या उनका पढ़ाने का मेथड, या समाज की जो है जागरूकता नहीं है उनके बारे में, हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है या जब से ये महामारी का दौर चला है, तब से तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ चीजों में हम आगे बढ़े हैं, यानी कि हमने ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करना प्रारंभ किया है या हम उन चैनल्स को देखते हैं। हालांकि वो चैनल बहुत पुराने काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन हमने आज तक उनके लिए छूने की कोशिश नहीं की। तो समाज को जागरूक करने के लिए और समाज में सहमति और स्वीकृति बनाने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों को चलाएंगे जहां से हमें
इस टेक्नोलॉजी या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके माध्यम ये होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स में जो है कोई भी ऐप हो एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पर लगातार कंपटीशंस करवाए जाएंगे जिनमें बच्चों को रिवार्डेड किया जाएगा, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। इस तरीके के कंपटीशंस होंगे जो ऑनलाइन मोड से होंगे और बच्चे उनसे रिवार्डेड होंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात हो गई और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत बात आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यदि वहाँ डाटा ही उपलब्ध नहीं है, यानी कि बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है, गार्जियन के पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास डाटा बहुत महंगा पड़ रहा है, हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आएं, अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है या बच्चे के पास संसाधन नहीं है तो वो सब बेकार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नई शिक्षा नीति में ये बात रखी गई है कि राज्य सरकारें या विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये सारी एजेंसियां जो हैं जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ये सारी एजेंसियां ऐसी नियम बनाएंगी या ऐसे कार्य करेंगी जिनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों के पास मोबाइल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो उपकरण हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्राप्त हो सके। इसके बारे में एक उदाहरण हम ये मान सकते हैं कि बच्चे के लिए लैपटॉप देना या बच्चे के लिए प्रीलोडेड टैबलेट्स देना, ये कार्य किए जा सकते हैं। इसका दायित्व तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एजुकेशन की जो भी एजेंसीज हैं उनका होगा जो बच्चे के लिए ये सारी चीजें प्रदान करेंगे। इसके अलावा शिक्षा के वैकल्पिक साधन के रूप में इसे प्रयोग किया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से ये नहीं मान सकते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में पूरे टीचर्स को हटा देगी, संभव नहीं है ये बात। कई बार ऐसा होता है कि विचार आता है कि कंप्यूटर आ गए तो लोगों के रोजगार कम हो गए हैं या जो है नई नई मशीनें आने से लोगों की कार्यक्षमता जो है वो कम हो गई है, लेकिन क्या देखा कि रोजगार के आवश्यकता में सौंप हो गए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए मशीन कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी होगी और योग्य लोगों की आवश्यकता होगी। पहले जो कार्य 10 दिन में होता था वो अब 1 घंटे में होता है। इसी को आधार मानकर नई शिक्षा नीति ने यह कहा कि वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से रोजगार कम होंगे, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएंगी जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 10 साल पहले या 20 साल पहले आज से ये माना जाता था कि मोबाइल की दुकान शायद ही कोई रखा हो, लेकिन आज आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपके मोबाइल की दुकान हर जगह मिल जाएगी। अब है क्या कि ये जो मोबाइल की दुकानें हैं इन्होंने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। मोबाइल ने आकर भले ही कुछ रोजगार कम करे हैं लेकिन क्या मोबाइल की दुकानों ने रोजगार को बढ़ाया? तो यही माना है कि शिक्षक के स्थान को किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, बशर्ते वह शिक्षा में सहायक के रूप में कार्य करेगी। सबसे मुख्य बात यहाँ पर यही बताई गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी तो उसके बारे में पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं या नहीं। यदि वे रोजगारों को समाप्त कर रही होगी और उसका विशेष लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा होगा तो ऐसी टेक्नोलॉजी को नई शिक्षा नीति ने पूर्ण रूप से मना किया है। उन्होंने यही बताया कि हम वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वो कार्य करेंगे जिससे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें टीचर्स के रोजगार या टीचर्स के साथ जो भी लोग लगे हैं उनके रोजगारों को आगे की ओर ले जाया जा सके। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बच्चे के लिए रोजगार प्रदान करने वाली होगी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा हाईस्कूल इंटर पास करने के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाता है, यानी कि वह बेरोजगार खुद को मानने लगे या ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार मानने लगे, तो हम उसे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे रोजगार प्रदान करेंगे जिससे कि बच्चा जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नए रोजगारों को प्रदान कर सके। मेरे हिसाब से 5 मिनट रह गए हैं, यदि आप में से किसी भी विद्वान साथी की कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो कृपया हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसे रिजॉल्व किया जाए। और अगर कोई क्यूरी नहीं है तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना भी है, शायद नहीं भी सुना तभी कोई समस्या नहीं आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी बात जो इससे रिलेटेड हो, किसी की कोई भी क्यूरी हो तो पूछ सकता है या कोई भी विचार हो। हालांकि मेरे पास कहने के लिए अभी 5 मिनट का डाटा और है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समय देना चाहता हूँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है या कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं क्लियर हुई? और इसके इसके अलावा प्रभाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आदेश करें, अग्रिम आदेश कंटिन्यू करूँ या मैं यहीं पर रुकूँ? प्रभाकर जी यस सर बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पर रोकूँ इस सेशन के लिए? अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो एक मिनट मैं चाहूंगा सर आपसे। जी जी जी, आप सभी सम्मिलित इस मीटिंग में सम्मिलित प्रधानाचार्यों से एक निवेदन है कि सूचना देनी है मुझे। 2 अक्टूबर को जो हम लोग प्रतियोगिताएं कराते थे चित्रकला पेंटिंग की गांधी जयंती पे, वो इस बार ऑनलाइन होंगी। स्लोगन प्रतियोगिता भी हम लोग कराते थे, वो सारी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन होंगी। आप अपने विद्यालय के 3 सर्वश्रेष्ठ बच्चों को प्रत्येक विधा से सिलेक्ट करिएगा और उसको हमारी कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। यहाँ पर गठित समिति जिला विद्यालय स्तर पर, जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर जो बेस्ट बच्चे होंगे 3 विधाओं के, उनको सिलेक्ट कर लेगी। हाँ, जो सबसे बेस्ट बच्चे होंगे उनको 3 विधाओं से 3 सिलेक्ट करके आगे जेडी कार्यालय पे या उच्च स्तर पे भेज देंगे, यहीं पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में कोई और जानकारी चाहते हो या राजेश जी के? ठीक है सर, संबोधित करेंगे। प्रधानाचार्यगण जो है ध्यान देंगे, आज दिनांक 21 तारीख को सुबह डीएम साहब के द्वारा मीटिंग ली गई है 2 अक्टूबर के विषय में। तो अभी तक ये निर्देश दिए गए हैं कि 2 अक्टूबर को जो ध्वजारोहण होगा सभी उस पर संस्थाओं पे, तो वो 8:30 बजे का टाइम रहेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी हो सकता है चेंजिंग हो जाए समय वगैरह में, तो वो पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन टाइमिंग अभी जो निश्चित की गई है वो 8:30 बजे की निश्चित की गई है कि ध्वजारोहण का समय 8:30 बजे रहेगा। दूसरा निर्देश ये दिया है कि अब की बार कोई भी रैली वगैरह नहीं निकालेंगे बच्चे, और कोई भी यहाँ पे जो जनपद स्तर पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे वो भी नहीं होंगे, और आप ही जो है कोई इन कार्यक्रमों से बचेंगे। ऑनलाइन कराए जाएंगे सभी कार्यक्रम, जितनी भी प्रतियोगिताएं होनी है, स्लोगन प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि जो है सभी ऑनलाइन होंगी। तो आप अपने बच्चों को जब टीचिंग करा रहे हैं तो आप उनको अभी से बता दीजिए, डीएम साहब के निर्देश हैं कि 1 सप्ताह पहले से ही वो ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ कर दें, तो वो अपनी प्रविष्टियां आपके पास भेज देंगे और आप उनमें से 3 अपने विद्यालय की 3 बेस्ट हमारी ईमेल आईडी पे अपलोड कर दीजिए, ताकि उनमें से सुगमता हो सके निर्णायक मंडल को छांटने में। तो प्रत्येक विधा में, स्लोगन में, पेंटिंग में और निबंध प्रतियोगिता में, इनमें प्रत्येक विधा में 3-3 जो बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जाएगा। तो सभी को, आप लोगों को राजेश कुमार ने बहुत अच्छी तरीके से नई शिक्षा नीति 2021 के 20 के बारे में बताया है, 2020 के बारे में जो वर्ष 2023 में लागू होनी है। और अभी अभी आपकी किसी की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेरी से जो है जानकारी मिलती है कि ये क्या कैसे करना है। अभी आगे बहुत कार्य होने हैं, स्कूल मैपिंग का भी कार्य होना है, स्कूल मैपिंग भी की जानी है, ये भी नई शिक्षा नीति का अंग है। तो आप एक बार बात कर सकते हैं राजेश कुमार से। धन्यवाद दोस्तों। मेरे सम्मानित शिक्षकगण प्रधानाचार्य, मैंने अपनी समझ से काफी प्रयास किया कि प्रौद्योगिकी के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ी उन सभी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और
इस कार्यशाला का जो है उद्देश्य भी यही है कि व्यापक प्रचार प्रसार होना। तो यदि आप में से कोई भी इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहता हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकता है, अगर इस समय नहीं तो कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे इस संबंध में पूछ सकता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा प्रभाकर जी अग्रिम निर्देश प्रदान करें सभी अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए। समस्त सम्मिलित प्रधानाचार्यों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि अभी ये वेबिनार समाप्त नहीं हुआ है। 15, 16, 17 में जो वेबिनार हुए थे वो फिर से रिपीट किए जाएंगे 22, 23, 24 में 12 से 1। उसका पत्र अभी करके डाल दिया जाएगा। तो अगर ये टाइम अगर 1 से 2 हो जाए तो ज्यादा सही, क्योंकि ये 12 बजे स्कूल का टाइम होता है जी। 12 बजे स्कूल का टाइम होता है, 12 से 1 के बीच में लोग इधर उधर आते जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल घर पे होता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो ये तो मीटिंग में जुड़ने में दिक्कत आती है। एक मिनट सर, हम आपको अपडेट कर। सर साहब कह रहे हैं कि फिर हम लोग 2 से 3 मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोग को उचित लगे तो ज्यादा, अगर सब लोगों का सुझाव हो तो ज्यादा है। 2 से 3 सही नहीं रहेगी प्रकार की, बेहतर होगा साहब 11 बजे से 12 बजे तक कर दें। यस 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 साहब बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जो है फिर कॉलेज ऑफ आवर्स में हो जाता है, आदमी कहीं कोई होगा, कहीं कम से कम लोग जुड़ पाएंगे और उस टाइम में सब मोबाइल घर पे पढ़ते हैं। 11 से 12 उचित रहेगा, 11 से 12 रख दें जी। 12 ही बजे ठीक है, 11 से 12 11 से 12 भी ठीक है सर, 11 से 12 ठीक है। अगर आप लोग तब तो सर 12 ही बजे ठीक है, पहले आ जाएंगे कॉलेज से थोड़ा 12 बजे आके, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं, मोबाइल से डिस्टर्बेंस होता फिर उधर। नहीं होना तो फिर आप लोग अपना शेड्यूल थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए 3 दिन के लिए, केवल 3 दिन का करना है, ताकि जो पहले जो है और उसमें अच्छी जगह सब 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 लोगों का आराम हो, वो टाइम ज्यादा अच्छा। आप सब सम्मान्य जो करेंगे वो मान्य। ओके सर, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। हम लोग मीटिंग समाप्त करते हैं, धन्यवाद सब लोगों का मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू राजेश जी।